फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको भी पुलिस वेरिफिकेशन बनाना है तो फ्रेंड उसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी, आप अपने मोबाइल फ़ोन से खुद से ही ऑनलाइन करके पुलिस वेरिफिकेशन आप अपना बना सकते हैं। तो बने रहें वीडियो के एंड तक, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि चरित्र प्रमाण पत्र यानी पुलिस वेरिफिकेशन किस तरह से ऑनलाइन बनता है। तो फ्रेंड चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना होगा, यह ऐप का नाम है यूपी कॉप। आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल फोन में, उसके बाद यहां से इसको ओपन करना है आपको। अब उसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र यानी पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है, तो उसके लिए आपको यहां देखिए सर्विस का एक ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको यहां पे क्लिक करना होगा। अब यहां देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेड सर्विस, इसका फीस 50 रुपये है, ये पेड है, तो यहाँ पर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आपका पहले से ही यूपी कॉप के एप्लीकेशन पे आपका जो है अकाउंट बना हुआ है तब आप अपना मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करके लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप पहली बार इस ऐप पर आ रहे हैं तो यहाँ देखिए साइनअप का एक ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना होगा, तो यहाँ साइनअप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब उसके बाद क्रिएट अकाउंट में यहाँ देखिए आपको अपना नाम डालना होगा, जेंडर आपको अपना बताना होगा, एक ईमेल आईडी डालनी होगी, एक मोबाइल नंबर डालना होगा और आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, उसी पासवर्ड को आपको कंफर्म पासवर्ड में डालना होगा और यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखिए एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डालना होगा और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है, आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आपको लॉगिन कर लेना होगा। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना होगा, आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप जैसे ही फिल करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे। मैं चलिए करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हम लॉगिन हो गए हैं। अब आपको सबसे पहले बताना होगा कि आप सामान्य काम के लिए पुलिस वेरिफिकेशन बनवा रहे हैं या कॉन्ट्रैक्टर के लिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर के लिए बनवा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको जनरल पे ही रहने देना होगा। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल में बताना होगा कि आप अपने लिए पुलिस वेरिफिकेशन बना रहे हैं या किसी दूसरे के लिए। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो सेल्फ पे रहने देंगे, नहीं तो ऑन समवन बिहाफ के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, तो मैं अपने लिए बना रहा हूं तो इसको सेल्फ पे ही रहने दूंगा। उसके बाद यहां पे देखिए आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद आपको यहां पे अपने फादर का नाम डालना होगा, उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहां पे आपको डालना होगा, उसके बाद आपको अपना यहां पे जेंडर आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस डालना होगा, परमानेंट एड्रेस में आप अपने गांव का नाम डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपको यहां पे सिलेक्ट करना होगा। हो जाने के बाद आपको अपना पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ स्टे आप यहां पे कब से रह रहे हैं आपको वो बताना होगा, उसके बाद आपको बताना होगा कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो यस करेंगे, नहीं तो इसको नो पे ही रहने देंगे। उसके बाद आपको यहां पे एक फोटो अपलोड करना होगा, उसके बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा और नीचे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए आपके सामने एक रेफरेंस नंबर आया है, इसको आपको कहीं लिख के रख लेना होगा और आपको उसके बाद पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो पेमेंट करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी से भी आपको पेमेंट कर देना होगा, जिससे आपको आसान लगे उससे आप पेमेंट कर देंगे। तो फ्रेंड जैसे ही हमारा पेमेंट कंप्लीट होगा हमारे पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगी, इसको हमें फ्रेंड यहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा। और उसके बाद अब फ्रेंड आपको एक काम करना होगा, आपने जो भी पुलिस स्टेशन सिलेक्ट किया था फ्रेंड वहाँ से आपको 2-3 दिन के अंदर कॉल आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए। अगर आपका फोन नहीं आता तब आप डायरेक्ट जाएंगे पुलिस चौकी में, पुलिस चौकी में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ जब चरित्र प्रमाण पत्र आपका बन जाएगा तो उसको आपको डाउनलोड कहाँ से करना है। चरित्र प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए आपको दोबारा होम पेज पर आना होगा, नीचे आपको देखिए एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड ये पेज खुलेगा, आपको सर्विस टाइप में सबसे पहले आपको यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको ईयर सिलेक्ट करना होगा आप किस ईयर में इसको अप्लाई किए थे, मैं 2022 में किया था। उसके बाद यहाँ पे सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए आपका यहाँ पे सब कुछ आ गया है, अभी फ्रेंड ये कंप्लीट नहीं हुआ है, जब फ्रेंड ये बन जाएगा तो उसके बाद आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको पुलिस चौकी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा तभी आपका सर्टिफिकेट बनेगा। तो फ्रेंड इसी तरह आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आए चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई जानकारी आपको न समझ में आए तो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।